कहीं भैया आप नाम पर भी तो कोई फर्जी सिम नहीं चल रहा है। इस वीडियो में आपको जानकारी हम देने वाले हैं कि अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम एक्टिवेट है, कोई यूज कर रहा, तो आप उसमें बहुत ही, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपना तुरंत जाके एक सिस्टम ऐसा बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिम चल है वो कौन कौन से नंबर एक्टिवेट हैं इस टाइम पे, कितने नंबर आपके नाम पे चल रहे हैं, ये सारी जानकारी आप इजीली पता कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, टैबकॉप की वेबसाइट पर जाना है। टैबकॉप एक पोर्टल होता है, तो उसका प्रोसेस में आगे आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा, आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। अगर आपके नाम पर भी डबल सिम या डबल मल्टीपल नंबर रजिस्टर्ड है और आपकी जानकारी में नहीं है, वो आप सिम आप एक्टिवेट है चल रहा है, तो इसमें आप फंस सकते हैं, बहुत लंबा फंस सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अटैच कर दिया है और आप यहाँ पे लाइव जो है देख सकते हैं कि आपको कैसे पता करना कि आपके नंबर, आपके नाम पे कितने नंबर जो है रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले आपको आना है क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र हम यहाँ पे आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैबकॉप, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं टैबकॉप कंज्यूमर पोर्टल। आप यहाँ पे लिख लेंगे टैबकॉप कंज्यूमर पोर्टल, स्पेलिंग आपको गलत नहीं लिखना है, नहीं तो पोर्टल नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे ये फेक वीडियो बनाता है, ठीक है। टैबकॉप हम यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय। तो इसके हम सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर फिल करना है और जैसा कैप्चा कोड ये लिखा हुआ है नंबर एंटर कर लेंगे, जैसा कैप्चा कोड ये दिख रहा है ये कैप्चा कोड एंटर कर लेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है वैलिडेट कैप्चा। जैसे आप क्लिक करेंगे कैप्चा कोड, अगर आपका गलत होगा तो इस तरीके से आपको बता देगा कि आपका कैप्चा कोड जो है गलत है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा कोड एंटर करना है, जैसे हम यहाँ पे कैप्चा कोड फिर से एंटर किए, वैलिडेट कैप्चा कोड पर क्लिक किए, आपके एक रजिस्टर जो आपने यहाँ पे नंबर फिल किया है उस नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, ठीक है। वो OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएगा, जैसे कि OTP यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे जो OTP को फिल कर लेते हैं, OTP हमने फिल कर लिया और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और आपके नंबर पर, आपके ID पर, आपके नाम पर जितने भी नंबर रजिस्टर्ड हैं वो सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। जैसे कि मेरे ID पे 2, 4, 6 नंबर रजिस्टर्ड हैं और ये सारे नंबर मेरे हैं। और अगर आपको कोई लगता है कि ऐसा कोई नंबर है जो कि आपके ID पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे नॉट माई नंबर, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नॉट माई नंबर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके और उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे टिक करेंगे जो आपका नंबर नहीं है, नॉट माई नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ रिपोर्ट पर जो है क्लिक कर देंगे, तो आपका जो नंबर है वो बंद कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट में, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, जो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।